बिहार में इफ्तार पार्टी की दावत शुरू हो गई है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियां इफ्तार पार्टी देगी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। कल देर शाम जितने भी रोजेदार थे मुसलमान भाई, वो सभी नीतीश के इस इफ्तार पार्टी में नमाज अदा करने पहुंचे। वहां पर दुआ भी की गई और दुआ करने के बाद वहां पर सभी ने अपने रोजा खोला। आपको बता दें कि वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी गई कि ना ही तो वहां पर कोई बीजेपी का नेता पहुंचा था और ना ही चिराग पासवान पहुंचे थे। वैसे तो चिराग पासवान को बता दें कि वहां पर निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन वो उस दिन बिहार में ही मौजूद थे। वो बिहार के पटना में मौजूद थे, फिर भी वो इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इस इफ्तार पार्टी में बिहार सरकार के सभी मंत्री पहुंचे थे, जेडीयू के भी तमाम नेता पहुंचे थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। कांग्रेस के भी तमाम नेता, आरजेडी से भी नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन बीजेपी से एक भी नेता नहीं पहुंचे थे, सिवाय एक पटना के मेयर सीता साहू वहां पर मौजूद थी, इसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं पहुंचे, ये साफ दिखा रहा है कि चिराग पासवान और महागठबंधन में दूरियां बरकरार है। हालांकि इस इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मौजूद थे, सभी रोजेदार को उन लोगों ने बधाइयां दी और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में अभी कुछ दिन पहले माहौल हुआ था, तनावपूर्ण माहौल हुआ था, उसको लेकर यहां पर अमन चैन शांति की दुआ मांगी जा रही थी और कहा गया कि बिहार और तरक्की करे और बिहार और आगे बढ़े। देखिए, जैसा कि बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाली है, तो ऐसे में कल जेडीयू के इफ्तार पार्टी है, उसके बाद आरजेडी भी इफ्तार पार्टी देने वाली है। अब देखना तो ये होगा कि इन तमाम जगहों पर चिराग पासवान और बीजेपी की उपस्थिति दर्ज होती है या नहीं, क्योंकि देखिए पिछले साल जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो तमाम बीजेपी के नेता मौजूद थे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मौजूद थे, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करते थे। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में परिस्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि क्या इफ्तार पार्टी से किसी को कोई दिक्कत है, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि देखिए, इस पार्टी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर, अब देखना ये होगा कि अन्य जो पार्टियां होने वाली है इफ्तार की इस बार, उसमें बीजेपी पहुंचती है या नहीं और क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचते हैं इस बार पार्टी में। सियासी जानकार की नजर इन सब गतिविधियों पर है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या क्या नया मोड़ आता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।